करो भाई, आवाज उवाज क्लियर है? चलें शुरू करें। नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से हाईटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज जो हम पढ़ेंगे वो है रूट स्टॉक। इसके बाद क्रॉप शुरू हो जाएंगे आपके। क्रॉप क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट कर लिया, जो बच्चे एप्लीकेशन पे होंगे वो देख रहे होंगे। तो आज आप कॉपी पेन भी आप साथ साथ निकालना। क्या शुरू करेंगे? रूट स्टॉक ऑफ फ्रूट ट्री। वेजिटेबल्स का नहीं पढ़ रहे हैं, किसके पढ़ेंगे बताओ? फलों के मूल ग्रंथ के बारे में। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बताओ? मूल ग्रंथ। सबसे पहला प्रश्न आएगा कि ये रूट स्टॉक का उपयोग कहाँ होते हैं या किसे कहते हैं रूट स्टॉक। तो ये जो मैंने प्लांट दिखाया है, इसमें है कि दो डिफरेंट प्लांट है, दो भिन्न भिन्न पादप को जब मैंने जोड़ा। सपोज दैट एक प्लांट तो हमने लिया कहीं से, मान लिया जाए ये है एक प्लांट, ये प्लांट है, और दूसरा प्लांट मैं बना लेता हूं सफेद से, ये है एक प्लांट। इन दोनों प्लांट की अलग अलग विशेषताएं होंगे। किसी की जड़ें गहरी होगी, किसी में फल अच्छे लगते होंगे, कुछ अलग अलग विशेषता। तो वैज्ञानिकों ने सोचा यार दोनों को मिला के क्यों ना एक प्लांट बना दो। तो अब हम एक प्लांट अभी बना रहे हैं। इसमें देखना नीचे वाले भाग, ये ऊपर वाले भाग तो मैंने ले लिया आपको समझाने के लिए कि चलो ये सियोन है, और नीचे वाले भाग को मैं यहां से बना देता हूं इसकी जड़, और ये पाले पार्ट बन गया यूनियन। क्या बना बताओ? जहां पे ये जुड़ेगा दोनों भाग। तो नीचे वाले भाग, यूनियन के नीचे वाले भाग, ये क्या कहलाएगा? रूट स्टॉक। क्या कहलाएगा बताओ? हिंदी में इसी को बोलते हैं मूल ग्रंथ। क्या बोलोगे? और ऊपर वाले जो भाग है इसे हम कहेंगे सियोन। क्या बोलोगे? जिसे हम प्राकूर के नाम से जानते हैं। तो क्या आपने क्या समझा इसमें कि कोई ग्राफ्टेड प्लांट है? ये कैसा प्लांट है बताओ? ग्राफ्टेड प्लांट, जिसका ये ग्राफ्टिंग यूनियन है, जहां पे ये जुड़ा है, जिसे हम क्या क्या बोलते हैं? संधि। क्या बोलोगे इसको? संधि। तो इस संधि के नीचे वाले भाग जो होंगे यही कहलाएगा क्या? मूल ग्रंथ। क्या कहलाएगा? और ये ऊपर वाले भाग को क्या बोलोगे? सियोन। क्या बोलोगे? सियोन। तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, सियोन। क्या बोलते हैं? चार पांच प्रश्न जो फिक्स आते हैं वो मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं आपसे कि रूट स्टॉक बनता कैसे है, वो तो बाद में बात करेंगे कि किस तरह से इसका क्या होता है, निर्माण होते हैं। चलो देखो, कुछ आप इमेज देखो। सबसे पहले मूल ग्रंथ जो होते हैं ना, दो तरह के पढ़ेंगे। अभी तक तो एक ही तरह के मूल ग्रंथ दुनिया पढ़ा रहे थे कि एक तरह के मूल ग्रंथ होते हैं जो बीजों के द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा बनते हैं? और इसके पहले लेक्चर में भी मैंने यही बताया था कि मूल ग्रंथ जो बनेगा वो कहां से, एक्चुअल इसका डेवलपमेंट कहां से होगा? बीज के द्वारा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? किसी भी प्लांट का बीज लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? बीज। आपके एग्जाम में पूछेंगे बताओ मूल ग्रंथ को विकास करने के लिए प्रोपगेशन मेथड, प्रवर्धन विधि क्या है, तो आप टिक करोगे बीज। क्या करोगे? बीज। या पूछे कोई जंगली जाति को हमें लगाना है तो उसके लिए कौन सा विधि अपनाते हैं, तो भी आएगा बीज। क्या आएगा? बीज। तो ये ध्यान रखना। तो सबसे ये हमने एक सिट्रस का रूट स्टॉक डेवलपमेंट के लिए आपको बताना चाह रहा हूं कि जो नींबू वर्गीय होते हैं ना, उसका विकास हम कैसे करने वाले हैं। तो नींबू वर्गीय जो फल होते हैं उसका विकास, सबसे पहले उसका बीज लोगे, और बीज लेने के बाद इसका ये क्या लगेगा? सीडलिंग है। ये क्या है? सीडलिंग। अब सीडलिंग लगने के बाद इस तरह से इसका सीडलिंग लगेंगे, ठीक है, पौध लग गया।
अब ये जो एक साल का पौधा है, एक साल का आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि रूट स्टॉक की जो आयु कितनी होनी चाहिए फ्रूट क्रॉप के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आप लिखना, कितने साल होना चाहिए? 1 से 2 साल। तो यह एक प्रश्न बनेगा कि किसी भी मूल ग्रंथ जो फलों में उपयोग करते हैं उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो आयु होना चाहिए मेरे दोस्त कितना? 1 से 2 साल। आप देखोगे तो अपने आप। अच्छा, ये मूल ग्रंथ तो हमने बना लिया खेत में, देखो ये मूल ग्रंथ है, इसको हम बेचेंगे। अब इसकी मोटाई पूछ लेगा, तो मोटाई कितनी होनी चाहिए? तो इसकी मोटाई होनी चाहिए पेंसिल थिकनेस, कितना होना चाहिए बताओ? तो 2 पॉइंट आप लिख लेना, इसकी मोटाई कितना होना चाहिए? तो पेंसिल के थिकनेस जितना होता है वो। और इसकी आयु कितनी होगी? तो आयु होगा 1 से 2 साल। कितने आयु होंगे बताओ? 1 से 2 साल। मेन फील्ड में लगाने के लिए आयु 1 से 2 साल, मोटाई कितनी होनी चाहिए पेंसिल के थिकनेस के जैसा। चलो अब हम कुछ छोटी पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं। जो मूल ग्रंथ होते हैं आप लिखते जाना, रूट स्टॉक जो होता है, ये कितने तरह के पढ़ने वाले हैं मूल ग्रंथ ये, क्योंकि अभी पूछा हुआ है बैंक वाले एग्जाम में कि सेब में ज्यादातर कौन सा मूल ग्रंथ का उपयोग किया जाता है। देखो तो ये जो रूट स्टॉक होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, कौन कौन? एक को बोलते हैं सीडलिंग रूट स्टॉक। आपको शब्दों से समझ में आ रहा होगा, सीडलिंग का मतलब होता है ऐसा रूट स्टॉक जो विकसित किया जाता है। किससे विकसित किया जाएगा बताओ? विकसित होगा, डेवलप होगा, किससे होगा? सीड के द्वारा। तो पहले हम यही रूट स्टॉक पढ़ते थे, इसे कौन सा रूट स्टॉक बोलोगे? सीडलिंग रूट स्टॉक। कैसा बोलेंगे बताओ? सीडलिंग रूट स्टॉक। और दूसरा जो हम बात कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं क्लोनल, क्लोनल मूल ग्रंथ। क्या बोलोगे? क्लोनल मूल ग्रंथ, यानी कि क्लोनल रूट स्टॉक, क्लोनल रूट स्टॉक। आप इन दोनों को लिखते जाना, क्लोनल रूट स्टॉक। अच्छा, जब भी हम शब्द यूज करते हैं क्लोन, तो क्लोन का मतलब क्या होता है? CLONE, क्लोन। क्लोन का मतलब बताना, कभी कभी परिभाषाएं इसका पूछ लेता है, किसे कहते हो क्लोन? किसे कहते हैं क्लोन? जिसका जीनोटाइप, प्लांट में क्या होते हैं अंदर के मामला, जीनोटाइप और फीनोटाइप, बाहर से देखने में फीनोटाइप, कि प्लांट बाहर से देखे और अंदर का मामला, ये दोनों कैसा हो समान, यानी इसका जीनोटाइप भी सेम होगा जो मदर प्लांट का है, जैसा मदर प्लांट है, मातृ पादप है, किसके जैसा होगा? मदर प्लांट के जैसा। शायद थोड़ी सी कम समझ रहा होगा तू लोग। सपोज दैट एक पेड़ लगाया, आप समझो यह एक प्लांट है, इसमें इस तरह का प्लांट है, तो इससे अगर क्लोन विधि क्या होता है जानते हो? क्लोन मूल ग्रंथ का विकसित जो किया जाता है वो वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा। किसके द्वारा करेंगे बताओ? वेजिटेटिव को क्या बोलते हो हिंदी में? वनस्पतिक भाग के द्वारा इसका क्या किया जाता है? विकास। वनस्पतिक भाग के द्वारा हम इसको क्या करेंगे? विकास। जैसे कटिंग करके हम कर सकते हैं, लेयरिंग करके कर सकते हैं। यहां और लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, जैसे कटिंग आप करोगे, मूल ग्रंथ तैयार कर रहे हैं किसके द्वारा? कटिंग के द्वारा। और क्या कर रहे हैं? लेयरिंग के द्वारा कर रहे हैं। अमरूद में स्टूलिंग के द्वारा हम मूल ग्रंथ भी विकसित करते हैं। ये कौन सा भाग है बताओ? ये है वनस्पतिक भाग। कौन सा भाग है? वनस्पतिक का मतलब फूल के अलावा कोई भी भाग है तो वो कौन सी भाग होगी? वनस्पतिक पार्ट होंगे। अब वनस्पतिक पार्ट से जब हम कोई प्लांट, अरे रूट स्टॉक का मतलब सोच ले पेड़, क्या समझेंगे? पेड़, अभी पेड़ ही दिखाया, तो इस ये मदर प्लांट है, इससे बहुत सारे प्लांट हमें पैदा करना, एक तरह की प्रवर्धन की विधि है, तो इसमें सारे प्लांट ना एक जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा बताओ? एक जैसा। और यही प्रश्न तो आया था कि अगर कोई प्लांट हम किससे विकसित करते हैं? बीज के द्वारा, गुठली के द्वारा। तो आपने देखा होगा इसमें सारे प्लांट, एक प्लांट ऐसा है,
दूसरा प्लांट जिसकी जड़ें लंबी हो जाएगी, तीसरा प्लांट देखा होगा ये ऐसे बेंड हो जाएंगे, यानी कि प्लांट आपको विभिन्न तरह के मिलेंगे। इसमें विभिन्नताएं क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। आम से गुठली से आप 10 प्लांट लगाओ तो 100 प्लांट अलग अलग दिखेंगे, कोई लंबा दिख जाएगा, कोई छोटा दिखेगा, कोई टेढ़ा दिखेगा, कोई बेंड हो गया होगा, तो अलग अलग दिखते हैं। इसी को बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं बताओ, वेरिएशन। ये प्रश्न आया हुआ है, विभिन्नताएं। तो विभिन्नताएं किसमें देखने को मिलेगा बताओ, बीज वाले किसमें देखने को मिलेगा। क्या अभी तक 2-3 प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट क्या बने हैं बताओ, इसे रूट स्टॉक इसको पढ़ने का क्या है। दो तरह के मूल वृंद, सोचो दो तरह का पेड़ लगाना है, एक तो बीज से लगेंगे और एक वेजिटेटिव पार्ट से लगेंगे। वेजिटेटिव पार्ट का हर एक पौधा कैसा होगा, एक जैसा, जैसे आपने इमेज में देखा, देखो ये सारे कैसे दिख रहे हैं आपको, एक जैसा, ऐसा समझना है। सारे पौधे कैसे दिखेंगे, यूनिफॉर्म एक जैसा दिखेगा। ये किससे संभव है बताओ, क्लोनल रूट स्टॉक से। किससे है, और असमान पादप का बनना किसकी कैरेक्टर होता है, बीजों के द्वारा। अब पूछेगा कि बताओ कौन ऐसा विधि है जिसमें वेरिएशन ज्यादा आएंगे, तो वेरिएशन किसमें ज्यादा आएगा, विभिन्नताएं किसमें ज्यादा आएंगे, बीजों के द्वारा। कौन ऐसा विधि है जिसमें एक जैसा पादप दिखेगा, तो एक जैसा किसमें दिखेगा, क्लोनल। क्लोनल विधि किससे विकसित करते हैं, कटिंग से, लेयरिंग से, स्टूलिंग से, यानी कि वेजिटेटिव पार्ट से कौन सा विधि डेवलप करोगे, क्लोनल। और सीडलिंग रूट स्टॉक किससे करोगे, बीज के द्वारा। किसके द्वारा करेंगे, तो ये लिख लिए हो। अब हमें आएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरा इसी के नीचे मैं लिख देता हूं, जो पूछा गया है प्रश्न कि सेब में कौन सा रूट स्टॉक उपयोग करते हैं, तो एप्पल में ज्यादातर उपयोग होता है क्लोनल रूट स्टॉक। स्टार लगा लेना इस पे, 3 स्टार लगाना। सेब में ज्यादातर कौन सा रूट स्टॉक उपयोग करते हैं, तो वो करते हैं क्लोनल। और इधर ज्यादातर आम में आपने देखा होगा, जो मैं बार बार उदाहरण ले रहा हूं, मैंगो में, बेर में, बेल में, आंवला में, इन सब में उपयोग हम करते हैं सीडलिंग रूट स्टॉक। कौन करते हैं, सीडलिंग। कर दिए आप लोग जल्दी जल्दी, चले आगे। सबको राम राम सर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का भी क्लास शुरू करें, अभी जेनेटिक्स करूंगा डियर इसके बाद में, कल या परसों से आपके जेनेटिक्स के भी क्लास स्टार्ट हो जाएंगे, तो जेनेटिक्स आप देख सकते हो। आप नोट्स बनाते जाओ, क्या इसके रहते हो भरोसे पे कि सर लिखाओ यार, पीडीएफ भेज दो। शॉर्टकट कोई विधि नहीं है भाई साहब, आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। चले आ गया, ये आपने कर लिया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं इंपॉर्टेंट, रूट स्टॉक की विशेषता बताओ। एक आप अधिकारी आदमी बन गए हो और आप चयन करने जा रहे हो फीचर्स ऑफ रूट स्टॉक, यानी विशेषताएं, क्या क्या कैरेक्टर होगा एक अच्छे रूट स्टॉक का, वो आपको बताना है। क्या सोचोगे बताओ, कैसा होना चाहिए मूल वृंद। ये कोई कंपटीशन एग्जाम में नहीं आएंगे, पर अपने को 5-6 पॉइंट आना चाहिए। अरे कोई मूल वृंद का मतलब कौन सा भाग है बताओ, नीचे वाले भाग। तो नीचे वाले भाग सोचना, एक पेड़ का आप जड़ के बारे में सारा कैरेक्टर सोच लो, तो रूट स्टॉक कैसा होना चाहिए बताओ। एक तो होना चाहिए डीप रूटेड। कैसा होना चाहिए बताओ, डीप रूटेड का मतलब गहरी जड़ें होनी चाहिए, और गहरी जड़ें होंगे तो मिट्टी को क्या करेगा, बांध कर रखेगा। मिट्टी को क्या करेगा, मिट्टी को बांध कर या पकड़ के रखेगा, जिससे सॉइल इरोजन क्या होगी, कम। मृदा क्षरण क्या होगा, इससे कम। जितनी अच्छी रूट स्टॉक होगी, मृदा क्षरण क्या होगा, कम। अच्छा, ये रूट स्टॉक एब्जॉर्प्शन इसका क्या होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन, अरे पानी जल, इसका अवशोषण ये क्या करना चाहिए, ज्यादा या कम, ज्यादा। अच्छा, अगर ये जो जड़े हैं, समझो ये रूट स्टॉक मैंने बना दिया, इसी को सोचकर आपको कैरेक्टर बोल देना। अब ये जो है, ये बीमारी के प्रति क्या होना चाहिए बताओ,
बीमारी के प्रति होना चाहिए प्रतिरोध, यानी कि ये डिजीज के प्रति क्या होना चाहिए, रेसिस्टेंट। उसके बाद एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर जिसे हम बोलते हैं क्या, अजैविक कारक, अजैविक कारक। तो अजैविक कारक के प्रति भी क्या होना चाहिए, ये प्रतिरोध। ऐसा नहीं कि मूल व्रंत लगा दिया और लवणीय मृदा में ये मर जाए बेचारा, गर्मी में मर जाए, अधिक तापमान पे मर जाए, अधिक वर्षा पे मर जाए, वर्षा तेज हुआ रेनफॉल ये खत्म हो जाए। तो आपको ये सारे कैरेक्टर ध्यान में रखना है कि यार इन सब की होनी चाहिए। और एक और है साइज और शेप, साइज एंड शेप। जैसे मान लिया जाए किसी क्षेत्र में हमें बोनी प्लांट लगाना है, कैसे लगाना है बोनी, तो रूट स्टॉक भी कैसा लेना है, छोटकिनिया वाला, कैसा लेना है छोटका। लंबा लगाना है तो ये देखना है लंबा वाले, जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां सघन वाले रूट स्टॉक का हम क्या करेंगे उपयोग। तो ये तो हो गया नीचे की बातें। केवल आपको एक कहानी शुरू करने से, एक होता है मूवी शुरू करने से भाया बना रहा हूं अभी कि ये रूट स्टॉक होते हैं। अच्छा ऊपर वाले बताना सियोन है, तो सियोन की क्या कैरेक्टर है बताओ, ऊपर वाले माल को ले ले ये वाले फूल, और क्या है इसका फल, तो इसकी फल क्या होनी चाहिए, अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, फलों की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए अच्छी। और ये भी बायोटिक फैक्टर के लिए क्या होना चाहिए, रेसिस्टेंट, यानी बीमारी नहीं लगे, फल तो अच्छा है और बीमारी लग जाए। ये एबायोटिक फैक्टर के लिए क्या होना चाहिए बताओ, रेसिस्टेंट, पाला ना लगे, कीट ना लगे, उसके बाद क्या है गर्मी से सहनशील हो, सब चीज, वर्षा ज्यादा हो तो भी सियोन को कुछ ना हो। अगर फ्लावर का सियोन ले रहे हैं फूलों का, अगर किसका सियोन ले रहे हैं फूलों का, तो फूल में क्या होना चाहिए, सुगंध क्या होना चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तेल की मात्रा क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, फलों में पोषक तत्व क्या होना चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो ये सब जनरल कैरेक्टर है जो आप बता दोगे, ये सब क्या है जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसके, एक सियोन के बारे में। ठीक है चले आगे बढ़ जाएं। डिजीज फ्री होना चाहिए, सही है नीरज का सही कहना है, बीमारी रेसिस्टेंट होना चाहिए मोहित का, बिल्कुल सही जवाब है। विष्णु जी का कहना है सर बोस आप फ्लावर एंड मेडिसिनल प्लांट की क्लास भी लगाओ, पहले धीरे धीरे एक ही बार सारे क्लास आज कर लो तुम लोग। ये हो गए क्या है रूट स्टॉक, अगर एक गांव के बच्चे को पढ़ाता और रूट स्टॉक बोलेगा तो कोई समझेगा नहीं, क्या बोलेगा एक प्लांट है, क्या है एक प्लांट है, उस प्लांट को दूसरे खेत में हमें लगाना है। और वो जो रूट स्टॉक है उसका मेन उपयोग कहाँ होता है बताओ, ग्राफ्टिंग में, कहाँ होता है और कहाँ होता है बडिंग में। तो बड़े बड़े प्लांट को ना आप जोड़ नहीं सकते, नहीं जोड़ सकते है ना, मोटा आप आम के पेड़ को जोड़ दोगे तो उसके लिए क्या है उसका बच्चा पैदा करना पड़ेगा, तो वो बच्चा क्या कहला रहा है जो पतली पतली है उसको रूट स्टॉक है, क्या बोलेंगे। तो आपको जिस, जैसे मैं एक आम का पेड़ हूं, हमारा रूट स्टॉक तुझे बनाना है, तो हमसे कैसे इस मदर प्लांट, इसको क्या बोलोगे मदर प्लांट, इससे इसकी बच्चा कैसे आप लोगे, इसके बीजों से, कैसे लेंगे बीजों से। अब वो बीजों को हम बोएंगे, जैसे मैं एक आम का पेड़ हूं और बहुत खट्टा हूं तो लोग ना हमें खाते हैं और थूक के चले, हथु गधे कैसा आम का पेड़ है, गाली और देते हैं 10-20। मैंने और मेरे अंदर 2-4 गुण बहुत अच्छे हैं, क्या है गुण अच्छा, कि मैं एकदम जमीन को पकड़ के रखता हूं, पानी को एकदम निचोड़ के खींच लेता हूं, बीमारी हम में नहीं लगते हैं। एक प्रश्न और अच्छा बनेगा, कौन है ऐसा रूट स्टॉक है जिसमें बीमारी की संभावनाएं कम है, सीड के द्वारा या क्लोन के द्वारा, किसके द्वारा, बीजों के द्वारा, नोट करके लिखना, बीजों के द्वारा जो रूट स्टॉक बनाते हैं उसमें बीमारी की संभावनाएं कम होती है। बहुत अच्छा प्रश्न, बीजों के द्वारा जो मूल ग्रंथ बनाते हैं उसमें बीमारी की संभावनाएं क्या होती है कम, बीमारी की संभावनाएं क्या होती है कम। तो ये इंपॉर्टेंट, सर वॉइस रुक रहे हैं, सही है, सही होंगे रे, हमारे तो वॉइस बहुत कम रुकते हैं,
नरेंद्र सर दे देंगे खराब कर पागल। चले आगे, तो आपको और बीमारी एज कंपेयर क्लोन में क्या लगेगा, ज्यादा। सेब में कौन सा मूल ग्रंथ बनाओगे, पहले इतना काम कर दिया क्लोनल, कौन सा क्लोनल, एक समान मूल ग्रंथ किस में बनेगा क्लोन में, असमान किससे बनेगा सीडलिंग से, वेरिएशन किस में पाया जाएगा सीडलिंग में, रूट स्टॉक की आयु कितनी होनी चाहिए 1 से 2 साल, मोटाई कितनी होनी चाहिए, पेंसिल के आकार का होना चाहिए, किस में ऐसा है जो बीमारी कम लगेंगे तो सीडलिंग वाले किस में लगेंगे। ये हो गए आपके जनरल कैरेक्टर किसी भी मूल ग्रंथ का, चाहे आप बीएससी एग्जाम दो एमएससी एग्जाम दो, यही आते हैं। रूट स्टॉक क्या है उसकी 5 विशेषताएं लिख दो। रूट स्टॉक है क्या, किसी भी ग्राफ्ट यूनियन के नीचे वाले भाग को क्या बोलोगे रूट स्टॉक, ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं सियोन। 5 कैरेक्टर अगर पूछ ले तो नीचे वाले का 5 कैरेक्टर आपको बताना है, ऊपर वाले का 5 कैरेक्टर। अब हम कहानी को शुरू करेंगे। ये है जो इमेज देख रहे हो, ये इमेज है आरसीए फॉर्म की, ठीक है। जब मैं आया था ना शुरू शुरू में, तो मैं देखा अरे यार राजस्थान में तो बोलते हैं कि बालू है केवल, अभी भी बिहार यूपी में क्या समझते हैं राजस्थान बहुत गरीब राज्य है। तो मैं उनको जाके बताता हूं कि अपने बिहार से ना 100 गुना आगे विकसित है, मैं उनको जाके समझाता हूँ इस चीजों को, तो वो नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि जो बुक में लिखा हुआ है ना कि वहां ऊंट पाए जाते हैं, रेगिस्तान है, तो वही बच्चे पढ़ते हैं ना थोड़े, वो आके देखते हैं बेचारे बार बार, तो जो छवि बना हुआ है ना कि यहाँ तो जंगल होगा, तो वो मेरे को ज्यादा इज्जत नहीं देते हैं राजस्थान में। वही कोई लड़का महाराष्ट्र में रहे दिल्ली में तो बोलेगा अरे यार वो तो मुंबई में रहता है, मेरे बारे में सोचा तो वो तो सूखे प्रदेश में रहता है पागल, वो क्या कमाता होगा। तो ऐसे आते हैं, मैंने छवि अपनी क्या है थोड़ी देश में कम है, ये तुम लोग भी जानते हो। अब यहां जब मैं आया शुरू में नया नया जेआरएफ से लग के, तो देखा अरे यार यहां तो संतरे को लोग फेंके हुए हैं, संतरे को लोग क्या किए हुए हैं फेंके हुए हैं, तो ये तो बहुत अमीर राज्य है भाई, बहुत अच्छा जगह प्रवेश पाया हूं। तो मैंने बैग में भर के ये सब सारे संतरा उठाया, 2 लड़के थे श्याम सिंह धाकड़ और मैं, ये दोनों उठा करके टीएसबी हॉस्टल में गया और रूम वूम बंद करके इसको खोलना शुरू किया। खाना जब शुरू किया ना इतने खट्टे लगे, इतने खट्टे, इसका नाम है करना खट्टा। क्या नाम है बताओ, करना खट्टा। आप खा नहीं सकोगे, लगेगा कि दांत निकल गए भाई, इतना खट्टा। सिट्रिक एसिड की मात्रा इसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा है। इसमें है बताओ, सिट्रिक एसिड की मात्रा इसमें क्या है, बहुत ज्यादा। इसका नाम है करना खट्टा। क्या है बताओ, करना खट्टा, तो बहुत ज्यादा। अब वापस इसको लाके मुझे छोड़ना पड़ा इसी जगह जहां से मैंने उठाया था, तो वो गेटमैन पकड़ लिया कि अरे भाई तू अभी गया, अभी आया, क्या है तेरे बैग में दिखाना, तो देखा और ये सब पकड़े गए, 900 रुपया का और फाइन लगा। तो नुकसान बहुत ज्यादा, इसलिए इस इमेज को मैं साथ साथ लेके चलता हूँ। चले आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं रूट स्टॉक से। पूरी फलों का रूट स्टॉक आज मैं पढ़ाने वाला हूं, एक प्रश्न तो आप फिक्स मान लो, 1 क्वेश्चन इस चैप्टर से, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, और कहीं नहीं पढ़ाते हैं इसको, बस 1-2 गीत गा देंगे खूब है। तो पूरी आप तैयार हैं, सबसे पहला हम पढ़ेंगे किसके बारे में, नींबू, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो रूट स्टॉक हम बात कर रहे हैं किसके, नींबू के बारे में। नींबू में सबसे महत्वपूर्ण जो रूट स्टॉक होता है उसका नाम है रंगपुर लाइम। क्या नाम है बताओ, रंगपुर लाइम। देखो ये बात करते हैं रंगपुर लाइम, रंगपुर लाइम की अगर हम बात करें तो इसका बोटनिकल नेम है सिट्रस लाइमोनिया। क्या नाम है, सिट्रस लाइमोनिया। इसको आप सर्वोत्तम मूल ग्रंथ, अगर नींबू वर्गीय का बेस्ट रूट स्टॉक पूछा जाए आपके एग्जाम में, सबसे अच्छा रूट स्टॉक कौन है, तो आपका आंसर जाना चाहिए दोस्त कौन, रंगपुर लाइम। कौन सा है बताओ, रंगपुर लाइम। दोनों लिख देता हूं, नहीं तो चंडाल लोग खा जाते हैं मुझे, हिंदी इंग्लिश, सिट्रस लाइमोनिया। तब तक आप भी लिखते जाना कॉपी में। अगला, ये मूल ग्रंथ पूछेगा किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऑरेंज एंड स्वीट ऑरेंज के लिए।
देखो इंग्लिश में ऑरेंज नहीं लिखते हैं इसको, मैंडरिन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लेकिन इसका सबसे अच्छा प्रश्न बनेगा ये, जो स्टार लगा रहा हूं, ये रूट स्टॉक सॉल्ट टॉलरेंस है। कैसा है बताओ? सॉल्ट टॉलरेंस यानी कि लवण सहनशील मूल वृंद पूछा जाए तो क्या आंसर जाएगा? रंगपुर लाइम। सिट्रस का सबसे अच्छा मूल वृंद पूछा जाए, रंगपुर लाइम। लवण प्रतिरोध मूल वृंद पूछा जाए, रंगपुर लाइम। और ये किस वायरस के लिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट वायरस है ट्रिस्टेजा। क्या नाम है बताओ? ट्रिस्टेजा वायरस के लिए क्या है? टॉलरेंस। तो ये पॉइंट आपको नोट करते जाना है, कौन सी वायरस के लिए टॉलरेंस है? ट्रिस्टेजा वायरस के लिए टॉलरेंस। लेकिन इसमें एक समस्या क्या है बताओ? ये फ्रूट रॉट के प्रति ना, यानी इसमें फल के सड़ने की समस्या ज्यादा है। फ्रूट रॉट ससेप्टेबल है। फ्रूट रॉट क्या है? ससेप्टेबल। एआरएस में पूछा हुआ प्रश्न है, क्योंकि सब विशेषताएं पूछते हैं, तो इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी आपको याद रखना है कि ऐसे रूट स्टॉक का जो फल होते हैं वो जल्दी क्या हो जाता है? सड़ जाते हैं। क्या होता है बताओ? लेकिन हमारे हिसाब से अगर तुझे याद रखना है तो दो पॉइंट याद रखना है। बेस्ट रूट स्टॉक कौन है? रंगपुर लाइम। इसका नाम याद रखना है सिट्रस लाइमोनिया। क्या नाम है? सिट्रस लाइमोनिया। और ये कैसा है बताओ? सॉल्ट टॉलरेंस है। कैसा है? सॉल्ट टॉलरेंस, लवण के प्रति सहनशील। धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, ये पहली बार आप पढ़ रहे हो ना, इसीलिए मस्तिष्क को समस्याएं हो रहे होंगे। रूट स्टॉक मैं पढ़ाता भी नहीं, लेकिन लगा चलो ये क्यों छोड़ूं। अब हम बात करेंगे रफ लेमन का। किसकी बात करेंगे? इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं लड़के को, देखो अब नहीं करोगे। रफ लेमन को ही हम बोलते हैं जाटी खट्टी। सबसे पहले तो ये ध्यान रखोगे, मैंने एक कहानी भी बताया था कि जाट लोग, इसमें कोई बुरा उरा मत मान लेना, ये तो याद कराने का तरीका बताता हूं। जाट लोग क्या होते हैं? रफ होते हैं। रफ का मतलब अड़ियल होते हैं, वो डरते उड़ते नहीं है किसी से। तो रफ, वो भी कहां का जाट मैंने बताया था? हरियाणा का। कहां का जाट बताया था? हरियाणा का जाट। और इससे हमारे सारे प्रश्न हो जाएंगे सॉल्व। रफ कौन होते हैं? जाट लोग। तो रफ लेमन किसका नाम है? जाटी खट्टी। और इसका देखो, ज से जाटी और ज से जंबरी, तो ये भी याद हो जाएगा। रफ कौन होते हैं? जाट लोग। और इसका बोटनिकल नेम क्या है? सिट्रस जंबरी। क्या याद करोगे? सिट्रस जंबरी। इस इमेज को देखो, ये कैसा लग रहा है? रफ, ये लग रहा है साफ सुथरा, खुरदरा लग रहा है। कैसा है? इसको मार्केट में लेके जाओगे तो कोई नहीं लेने वाला है तुझे। तो रूट स्टॉक ऐसे होते हैं। अब इसका सर्वाधिक उपयोग कहां करते हैं? पंजाब और हरियाणा में। कहां उपयोग होता है बताओ? पंजाब और हरियाणा में। और पंजाब हरियाणा में प्रोडक्शन हम किसका करते हैं बताओ? किन्नो का। किसका करते हैं प्रोडक्शन? किन्नो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा कि पंजाब में सबसे ज्यादा हम प्रोडक्शन किसका करते हैं। पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहां हम करते हैं किन्नो का। किन्नो का, और किन्नो के लिए लगाया जाता है कौन सा मूल वृंद? तो ये है रफ लेमन। क्या नाम है बताओ? रफ लेमन। जबकि एक प्रश्न मैं आपको कमेंट में पूछता हूं, रफ लेमन का अगर पूछा जाए हाई डेंसिटी में लगाना है, छोटे मोटे एग्जाम में तो ये पूछेंगे ही नहीं पहली बात, लेकिन अब हम डिटेल ही पढ़ेंगे। किन्नो को कहां लगाना है बताओ? सघन बुआई करना है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। तो कौन सा रूट स्टॉक इसके साथ लगाएंगे? ये प्रश्न अभी आएगा। अभी आपको क्या याद रखना है? पंजाब हरियाणा में किसका उत्पादन ज्यादा है? किन्नो। और किन्नो के लिए कौन सा मूल वृंद लगाओगे? रफ लेमन। रफ लेमन का नाम बताओ? जाटी खट्टी। बोटनिकल नेम क्या होगा? सिट्रस जंबरी। क्या नाम है? सिट्रस जंबरी। अब ये लगाते हैं किन्नो में, ये पूछा गया है प्रश्न, सबसे ज्यादा उपयोग कहां करते हैं इसका? किन्नो के साथ। किन्नो के साथ कौन सा मूल वृंद लगाएंगे बताओ? रफ लेमन। किन्नो क्या है? एक लाइन में लिखा हुआ प्रश्न है किन्नो, अगर सिट्रस शुरू करूंगा तो वहां ये किसके किसके बीच का क्रॉस है? किंग लीप। अच्छा सर एक बात बताओ, जैसा आपने बोला रंगपुर लाइम एक पेड़ है, जाटी खट्टी एक पेड़ है, पेड़ है तभी तो फल लगा हुआ है। जाटी खट्टी भी क्या है? ये पेड़ है। संतरा का क्या लगता होगा? एक प्लांट लगता होगा, ट्री होंगे उसका। मौसमी भी क्या होगी? एक
पेड़ लगा होगा जैसे आम लगते हैं, वैसा ही किंग लीफ भी क्या है, एक पेड़ है। ध्यान रखना, पहले लगता था ये कोई राजा का पत्ती तो नहीं है, तो किंग लीफ भी क्या है, एक पेड़ है। तो किंग लीफ, और दूसरा नाम क्या है, बिल्लो लीफ। तो बड़ा दिक्कत होते हैं, यही बड़े एग्जाम जब दोगे ना बाद में बड़े होके, तो तुमसे पूछ लेगा किंग लीफ का बोटनिकल नेम क्या है, किंग लीफ का बोटनिकल नेम क्या है, किंग लीफ में गुणसूत्रों की संख्या क्या है। तो कुछ नहीं है, दिमाग को ब्रॉड करना, ये सिट्रस ग्रुप है और सिट्रस ग्रुप में इसकी क्रोमोजोम की संख्या 18 होंगे, फैमिली क्या होगा, रूटेसी होंगे, और इसमें बोटनिकल नेम है सिट्रस नोवेलिस। क्या है, सिट्रस नोवेलिस और सिट्रस डेलिसियोसा, डेलिसियोसा लिख लेना आप, सिट्रस नोवेलिस। कैसे याद रखोगे, नोवेलिस का मतलब नर और किंग क्या है, नर। ऐसे किंग, हालांकि किंग जो है ना वो मादा है, क्रॉस में हमेशा पहली वाले क्या होते हैं, मादा होते हैं, फीमेल होते हैं, पर याद करने का तरीका आपको याद रह जाएगा, ठीक है। सिट्रस नोवेलिस और सिट्रस डेलिशियोसा किन्नों में सर्वाधिक, सबसे पहले ये कब बना था बताओ, इनको बनाने वाले थे एचबी फ्रॉस्ट, कहां बनाए थे, यूएसए में, और यूएसए से इनको 1959 में ले आया गया था पंजाब, कहां लाया था, एचबी फ्रॉस्ट ने बनाया था, किसने बनाया था, एचबी फ्रॉस्ट, एचबी फ्रॉस्ट ने इसे बनाया था। एक्चुअल में ये किन्नू को क्यों भारत में लाना पड़ा, क्योंकि जो भारत के संतरा थे ना उसकी सेल्फ लाइफ बहुत कम था, सेल्फ लाइफ का मतलब बहुत जल्दी सड़ जाते थे, उनका छिलका क्या होता था, पहले देसी संतरा खाया है, ऐसे फाड़ोगे पट से फट जाते थे, और उसके अंदर जो सेगमेंट होते हैं, सेगमेंट का मतलब खंड जो होता है, जैसे एक संतरा के अंदर कितने खंड होते हैं, गरीब लोग जैसे हमारे जैसे एक संतरा लाओगे पूरी परिवार खाते थे, दो खंड नरेंद्र को दिए, दो नाजनीन को दे दिए, दो संतोष के दे दिए, उधर देख रहा है मान लिया जाए कि देवीलाल देख रहा है हमें नहीं दिए तो दो उसको दे दिए, तो टोटल 9 से 10 खंड होते हैं, कितने खंड होते हैं, तो उसी को सेगमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेग। अभी इतना ही रखो, सिट्रस में उसको मचाने की कोशिश करूंगा, यही एक प्रश्न बनेगा और आपका प्रश्न ये। तो बताओ दो मूल ग्रंथ आपने देखा क्या क्या नाम है, एक का नाम है रंगपुर लाइम, सबसे अच्छा मूल ग्रंथ कौन है, रंगपुर लाइम, और दूसरा किन्नों के साथ जो उपयोग करते हैं उसका नाम क्या है बताओ, रफ लेमन, रफ लेमन का दूसरा नाम क्या है, जाटी खट्टी, और जाटी खट्टी का साइंटिफिक नाम क्या है, सिट्रस जंबरी। जाटी खट्टी का उपयोग हम कहां करते हैं, किन्नों में, देश के किस प्रदेश में हम करेंगे, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। अब देखो अगला मूल ग्रंथ, ये अजीब लग रहा है ना, अगर ये दिखाता नहीं तो आज तुम्हें मूल ग्रंथ का वो संभावना है, कमेंट देखो क्या है, सर जी यूपीपी एसएससी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एप्लीकेशन पर पेड बैच शुरू कर दें, शुरू तो कर दो, कोई कोर्स खरीदे तब तो नरेंद्र शुरू कर देते हैं, आज एक कोर्स करना है अपने को यूपी कैटेट का। देखो अगला बात है जिसका नाम क्या है, सिट्र करना खट्टा, कौन सी है मेरे दोस्त, करना खट्टा, यानी कि सिट्रस करना, नाम से ही याद होंगे, अरे यार सर ये तो बड़ा इजी है, फालतू आप माहौल बना रहे थे कि रूट स्टॉक बहुत डिफिकल्ट है। रंगपुर लाइन का क्या है बोटनिकल नेम बताओ, सिट्रस लिमोनिया। दूसरा रफ लेमन का क्या है, जाट लोग, सिट्रस जंबरी। करना खट्टा बिल्कुल इजी है, सिट्रस कर, काम खत्म तीनों, और करना खट्टा भारी मृदा, एक ही पॉइंट लिखा हूं, हैवी सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप बताओ हैवी सॉइल किसे कहते हैं, अनीता, क्या नाम है अनीता, तो मोनिका, और दूसरा अंजलि, अंजलि जी क्या है, भारी सॉइल किसे कहते हो, कभी नाम सुनी हो, हैवी सॉइल, और लाइट सॉइल हमें ना एमएससी में महा बेइज्जती हुआ है, सबसे बड़ा बेइज्जती क्लास में, एक तो दो बार मुझे आरसीएम हो चुका है, क्या पहला पहला गए थे ना तो सारे क्लास में एक इंट्रोडक्शन ले रहे थे टीचर, किसका कितना परसेंट है, ऐसे ही पूछते हैं फर्स्ट डे, और क्या पूछेंगे, नाम क्या है, कहां से किए हो, और अपना परसेंटेज बताओ, तो मैंने बताया माई सेल्फ हरे राम कुमार, माई बीएससी परसेंटेज इज 98.29। तो वो टीचर स्टेट के थे, आज भी बहुत हंसते हैं, वो मेरे हाथ जोड़ के बोलते हरे राम जी मैं आपको नहीं पढ़ा सकता क्लास के सामने, और वो मेरे लिए बहुत बेइज्जती की बात थी,
यार इतने नंबर कैसे दे देते हैं कॉलेज वाले। फिर परसेंटेज जब हुआ बाद में तो 80 नंबर आया स्टेट में, और हमसे तेज दो तीन लड़का। बोले देख 98 का कोई मतलब निकला, तो वो बड़ा एक इंसल्ट वाले जीवन। और एक अभी मैंने क्या बोला था, अभी कुछ बोला ना, भारी मिर्दा। और क्या होते हैं भारी मिर्दा सच में। ऐसे एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पढ़ रहे थे, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बीएससी वाले, एमएससी ने बीएससी में भेजती, तो हमें सच में नहीं पता लगता था यार भाई। पहले बीएससी में कुछ समझते थोड़े थे, रट के कॉलेज का एग्जामिनेशन पास करना है। उस दिन से मैंने एकदम इजी समझ गया। टीचर बताया क्या हल्की मृदा होते हैं ना, जिसमें ट्रैक्टर ऐसे भागता हुआ चला जाए, और हैवी मृदा जो होते हैं जिसमें ट्रैक्टर ऐसे यानी खींचने में जोर लगे उसको। ये ले कैसा एग्जाम्पल है, इसको हम भारी मृदा कहते हैं। यानी ऐसी मिट्टी जिसकी कण चिपक जाए, काली मिट्टी, तो काली मिट्टी के सारे कण अगर चिपक जाएंगे तो ट्रैक्टर को उसमें खुदाई करने में क्या लगेगा, ज्यादा ताकत, तो एनर्जी कंजम्पशन क्या होगी, ज्यादा, तो उसे हैवी मृदा कहते हैं, जो भारी हो, जिसमें ट्रैक्टर ऐसे ऐसे करे और दौड़ता हुआ ट्रैक्टर जा रहा है, तो वो बलुई मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है, बलुई। देखता होगा तुरंत ट्रैक्टर जोत के 2 हेक्टर आ जाते हैं, और भारी मिट्टी में हालत खराब होते हैं तो हाँ है? दब जाते हैं ना। ठीक है, तो हैवी सॉइल आपको समझ में आ गया, तो हैवी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होंगे, ये सब जानता है, इसमें फालतू नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई, तीन तक तो आपने नाम भी सुना होगा, इसके बाद नाम नहीं सुने होंगे, पर आज सुना दूंगा। ट्राइफोलिएट ऑरेंज, इसका नाम क्या है, पॉन्सी रस, ट्राइफोलिएट, याद में करना है बोटनिकल नेम, सिट्रस करना, करना खट्टा का, ट्राइफोलिएट, ट्राइफोलिएट ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, भगवान का दिया हुआ सब चीज है अपने पास। चार ऑप्शन आएंगे, चार ऑप्शन में ये टिक कर लेंगे। क्या है बताओ ट्राइफोलिएट का, पॉन्सी रस, क्या नाम है, ट्राइफोलिएट, तो ये भी याद नहीं करना है, केवल एक ही का याद रखना है, रंगपुर लाइम का, जिसका नाम क्या है, सिट्रस लाइमोनिया, क्या नाम है। अब ये जो रूट स्टॉक होते हैं, देखो ये जमीन पे ही टच किया हुआ रूट स्टॉक है, अगर इसके बीज को आप देखोगे ना, तो जनरल जो बीज होते हैं ना उससे बड़े बड़े बीज होते हैं। देखो आप ये बीज, ये किसका है बताओ, ट्राइफोलिएट संतरा का, और ये जमीन से जुड़ा हुआ, बिल्कुल बौनी होती है। कैसा होता है, सबसे बौनी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कैसा रूट स्टॉक है, ये रूट स्टॉक है ड्वार्फ। कैसा है, ड्वार्फ, और ये ठंडे में इसको कुछ नहीं होगा, तो ये कैसा है, कोल्ड हार्डी कहते हैं, जो ठंडे के प्रति सहनशील हो, कोल्ड टॉलरेंस हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कोल्ड हार्डी। क्या बोलोगे, कोल्ड, यानी कितना भी पाला पड़ जाए ये ट्राइफोलिएट ऐसे ही रहेगा, इसको कोई नुकसान नहीं कर सकता है। जबकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया ट्रॉपिकल फ्रूट, और सब ट्रॉपिकल फ्रूट को पाला नुकसान करता है, क्या करेगा पाला, तो वैज्ञानिक कौन, अब जैसे आप अधिकारी हुए, अरे सर इसका इंपोर्टेंस बताओ क्या है, ये इंपोर्टेंस आपको लास्ट में समझ में आएगा। सपोज दैट आपका मान लिया जाए ज्वाइनिंग हो गया हिमाचल प्रदेश, कोई अधिकारी बन करके, मनीषा नींद ऐसे लेते रहो, हिमाचल प्रदेश में जॉब करना, तनखा मांगना खाली, तुरंत जॉब लगने के बाद ना तुम गुना भाग करने लगता, अच्छा तुझे 20 रुपया भी कम देगा ना सरकार तो तुम आंदोलन पे चले जाओगे, काम नहीं करूंगा, ऐसे कौन काम कर रहा था गधे, काम तो करते नहीं, पैसा खाली जोड़ते रहता है, 20 रुपया भी गवर्नमेंट काट लेगा तो तुम आंदोलन नहीं जाऊंगा काम, क्यों 20 रुपया क्रेडिट नहीं हुए, कितना आना चाहिए 42,356, कितने आ गए तो 36 रुपये ही आए, तो इसके लिए लड़ जाओगे। तो जब हिमाचल प्रदेश आप जाओगे तो वहां पे रूट स्टॉक आपके कौन लगाना है, कि भाई वहां ठंडा होगा, ये सारे कंडीशन को देखने के लिए वहां लगाना पड़ेगा ट्राइफोलिएट ऑरेंज। कौन लगाना पड़ेगा, ट्राइफोलिएट, जो कैसा होता है बताओ, कोल्ड हार्डी। लेकिन अगर हमें नींबू लगाना है जैसलमेर में, तो बताओ ये लगाऊंगा नहीं, तो हमें कैसा मूल व्रंथ लेना है, जो लवण के प्रति, गर्मी के प्रति क्या हो, सहनशील, और वो कौन है, जाटी खट्टी, करना खट्टा, रंगपुर लाइम, और सबसे अच्छा हम लगाएंगे तो रंगपुर लाइम। कौन लगाएंगे बताओ, रंगपुर लाइम। चलो, और ये जो रूट स्टॉक है एक और, निमेटोड के प्रति क्या है, सहनशील, निमेटोड्स के प्रति भी क्या है, टॉलरेंस, तो ये आप ध्यान रखोगे इंपॉर्टेंट है। चले आगे, निमेटोड रेसिस्टेंट, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला,
ये स्टार लगा लेना फ्लाइंग ड्रैगन, आया हुआ प्रश्न है फ्लाइंग ड्रैगन सबसे बौनी, सबसे ज्यादा यानी कि मोस्ट ड्वार्फ रूट स्टॉक, ड्वार्फ रूट स्टॉक की बात करें तो इसको याद रखना क्या नाम है फ्लाइंग ड्रैगन, सबसे बौनी रूट स्टॉक, सबसे छोटकी तो वो कौन है फ्लाइंग ड्रैगन, ठीक है। इसका एक नाम है ट्रायर साइट्रेंज, और ये देखो किन्नू में अगर हाई डेंसिटी लगाओगे तो आपको कौन सा मूल ब्रंथ लगाना पड़ेगा ट्रायर साइट्रेंज, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बता दो लास्ट के दो तीन क्वेश्चन, सबसे बौनी मूल ब्रंथ फ्लाइंग ड्रैगन, सर्वोत्तम मूल ब्रंथ रंगपुर लाइम, कोल्ड हार्डी ठंडे प्रदेश के लिए तो साइट्रेंज, कौन था वो ट्राइफोलिएट संतरा, कौन है ट्राइफोलिएट संतरा, रंगपुर लाइम क्या था सॉल्ट टॉलरेंस, लवण के प्रति क्या है सहनशील, लवण के प्रति सहनशील। तो ये हो गए आपके रूट स्टॉक किसका सिट्रस का, ठीक है। अगर सिट्रस का एक समरी बनाओगे तो 5-6 पॉइंट ही आपको आना है, और ऐसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप यकीन करो कर दोगे, बहुत डिटेल पढ़ा दिया। अब हम किसकी चर्चा करेंगे मैंगो का, किसकी बात करेंगे सबसे पहले मैंगो में बात करेंगे सॉल्ट टॉलरेंस का, किसका बात करेंगे सॉल्ट टॉलरेंस रूट स्टॉक, लवण सहनशील रूट स्टॉक क्या होता है तो इसका नाम ही याद रखेंगे नमक, क्या याद रखोगे नमक, नमक को क्या बोलते हो सॉल्ट, तो ये याद हो जाएगा। न से देखो लिखा हुआ है नेकरे, इसको हिंदी में याद रखना नेकरे, मां से याद रखोगे मुवंदन, क्या याद रखेंगे मुवंदन, और क से याद रखोगे कुरुकून। ये आते हैं प्रश्न तीनों इंपॉर्टेंट, बताओ आम में सॉल्ट टॉलरेंस रूट स्टॉक कौन है न म क, क्या याद रखोगे न म क, न से नेकरे, मां से मुवंदन, क से याद हो जाएंगे। अगला है बौना मूल ब्रंथ कौन होता है, यहां से भी प्रश्न बनते हैं कि बताओ आम के ड्वार्फ रूट स्टॉक का नाम बताओ, तो इसमें रूमानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रीपर वेराइटी पूछ लेगा कि क्रीपर कैसी किसकी वेराइटी है, तो ये याद रखोगे किसका है आम का, किसका है आम का, और ये बौना है। और एक है विलाई कुलंबन, क्या नाम है विलाई कुलंबन, इसका 2N बराबर 8X इक्वल टू 80 होता है, यानी कि ये ओक्टाप्लुआइड है, कैसा है ओक्टाप्लुआइड अष्टगुणित है, कैसा है ये अष्टगुणित, तो ये याद रखोगे नाम बड़ा गुणसूत्र बड़ा, नाम बड़ा गुणसूत्र बड़ा, नाम बड़ा गुणसूत्र बड़ा, याद हो जाएंगे ऐसे। चलो कमेंट में बताएगा ऑनलाइन वाले बच्चे हमें एक आम की ऐसी प्रजाति बताओ, प्रजाति नहीं सॉरी प्रजाति से याद आया रूट स्टॉक सबसे ज्यादा सक्सेस किस ग्राफ्टिंग में हो रहे हैं, इंटर स्पेसिफिक इंटर जेनरी, ये नाम सुना है इंटर स्पेसिफिक किसे कहते हैं बताओ, दो स्पीसीज के बीच का क्रॉस, दो स्पीसीज, दो स्पीसीज जैसे दो नाम ले ले, टमाटर का बोटनिकल नेम बताना लाइकोपर्सिकॉन, स्पीसीज लेना है एस्कुलेंटम, तो एस्कुलेंटम अलग पर जाति हो गया, आलू का बताओ सोलेनम ट्यूबेरोसम, तो ट्यूबेरोसम अलग एस्कुलेंटम अलग, लेकिन दोनों का फैमिली क्या है सेम, इसको हम कहते हैं इंटर स्पेसीज, क्या बोलेंगे इंटर स्पेसीज का मतलब दो प्रजाति के बीच का क्रॉस। तो अगर पूछा जाए कभी भी कि सबसे अच्छा रूट स्टॉक सक्सेस जुड़ने में एकदम मजा आ जाता है तो वो कौन है इंटर स्पेसिफिक, कौन है इंटर। अच्छा अगर आप मान लो आलू का एक रूट स्टॉक, आलू का एक पौधा और मैंजीफेरा इंडिका से जोड़ रहे हैं, इधर है आम इधर है आलू और इन दोनों को एक प्लांट बनाओ तो बनेंगे कभी, तो ये कैसा हो गया, इसका जीनस भी अलग है और इसका भी जीनस अलग है, तो ये हो गया इंटर जेनरिक और फैमिली भी अलग है ना, तो ये सक्सेस नहीं होंगे। कौन सबसे ज्यादा सक्सेस होता है बताओ इंटर स्पेसिफिक, कौन सा इंटर स्पेसिफिक। चलो ठीक है
अब ये स्टार लगा लेना, पोली इम्ब्रियोनिक, पोली इम्ब्रियोनिक वेराइटी भी पूछ लेगा, पोली इम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक पूछेगा, और बार बार प्रश्न आने वाला प्रश्न है ओलोर। कौन है? ओलोर। इसको तो आप दो तीन स्टार लगा लो, ओलोर। ओलोर कैसा है बताओ? बहुभ्रूणीय पोली इम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए, गुरु जी पोली इम्ब्रियोनिक क्या होता है? एक ही फल के अंदर बहुत सारे भ्रूण पाए जाते हैं, जो साउथ इंडिया में पाया जाता है। कहां वाले में? साउथ इंडिया। जिसके कारण बहुत सारे भ्रूण होंगे तो कोई ना कोई फलन दे ही देगा। तो इसके लिए ये फलन कैसा होता है? यहां नियमित फलन। कैसा फलन होगा बताओ? नियमित फलन, जिसे हम बोलते हैं रेगुलर बियरिंग। साउथ इंडिया की जो वेराइटी होती है जिसमें अर्का लगा रहे, जिसमें क्या लगा रहे? अर्का, वो सारे होते हैं नियमित फलन। नॉर्थ इंडिया का केवल एक याद रखेंगे, आम्रपाली। कौन रखेंगे? आम्रपाली, जो कैसा होता है बताओ? रेगुलर बियरिंग, लेकिन नॉर्थ इंडिया की है। कहां की है? नॉर्थ इंडिया। बताओ आम में जल्दी से मुझे एक रिवीजन करा दो। सॉल्ट रेसिस्टेंट, नमक, बौना में आ जाएगा क्रीपर। केवल एक याद रखेंगे, बौना, हालांकि यह भी बौनी किस्म है। और जानते हो इसका सबसे अच्छा एआरएस का प्रश्न बता रहा हूं, विलाई कुलम्बन का उपयोग किसके साथ करते हैं? विलाई कुलम्बन का उपयोग किसके साथ करते हैं, किसके क्रॉस में? तो ये क्रॉस का नाम है मल्लिका। क्या नाम है? मल्लिका को डेवलप करने के लिए किसका रूट स्टॉक का उपयोग करते हैं? विलाई कुलम्बन का। किसका करते हैं? विलाई कुलम्बन। तो ये हो गए ओलोर, याद रखना, ओलोर भी बोने में ही आते हैं। अब हम बात करेंगे किसका? चीकू का। किसकी बात करेंगे? चीकू का। चीकू का एक रूट स्टॉक, सबसे पहले इसको खिरनी कहते हो। क्या कहेंगे? खिरनी। और नाम क्या है इसका? रेयान। रेयान खिरनी पूछा जाए, किसकी मूल ग्रंथ है? चीकू का है। किसका है? चीकू का। और इसका साइंटिफिक नेम है मानिलकारा हेक्सेंड्रा। बताओ चीकू के मूल ग्रंथ क्या है? रेयान। और क्या बोलते हो? खिरनी। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? मैनिलकारा हेक्सेंड्रा। सभी गुण से भरपूर, देखो ये चीकू है। और इसका रूट स्टॉक ऐसा, ये अगर आपको दिखा देता तो ये आप कभी नहीं कहते कि ये चीकू है, नहीं बोलता ना कि इसको चीकू है। ये इसका नाम क्या है? खिरनी। एक और रूट स्टॉक है दूसरा, एक का नाम तो खिरनी और दूसरे का नाम है एडम्स एप्पल। क्या नाम है? एडम्स। लेकिन हमारे हिसाब से चीकू में एक ही याद रखना है, जिसका नाम है खिरनी या रेयान। और एक वेराइटी आपको याद रखना है जिसका नाम है क्रिकेट बॉल। क्या नाम है बताओ? क्रिकेट बॉल। किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है? तो यह है सपोटा का। बताओ खिरनी का साइंटिफिक नेम क्या है? मानिलकारा हेक्सेंड्रा। सभी गुणों से भरपूर है, इसको रियान या क्या बोलते हो? खिरनी। चले आगे, एडम्स एप्पल। अब हम बात करेंगे अमरूद की। किसकी चर्चा करने वाले हैं मेरे दोस्त? अमरूद का। इंपॉर्टेंट, कल से हम क्रॉप शुरू करेंगे और क्रॉप का क्लासिफिकेशन आपको सबसे इंपॉर्टेंट। देखो क्रॉप बिना पढ़े हुए फ्रूट आप ना जनरल पढ़ के आना, पूरी जनरल, तब तुझे क्रॉप में मजा आएगा। 25-30 पॉइंट तो कल हम डिस्कस करेंगे नॉन स्टॉप, जो सभी फलों में इंपॉर्टेंट होंगे। 20 पॉइंट तो हम हर फल का एक ही बार पढ़ लेंगे, जो तुझे बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमें एक नया चीज केवल क्या मिलेगा? वेराइटी। इसके अलावा कुछ भी नया नहीं मिलेंगे क्रॉप में। रिवीजन आपका पूरा, जो पीछे वाले बच्चे नहीं पढ़े हो वो भी हो जाएंगे। अब इसी में मैंने डिजीज पढ़ा दिया हूं, लेकिन डिजीज को भी करेंगे इस बार, मैं साथ करूंगा। लड़के बोलते हैं सर कि अगर क्रॉप के साथ बीमारी पढ़ा देते हो तो रिवीजन हो जाएगा, तो अच्छी बात है। उसके बाद इंसेक्ट नहीं कराया हूं आपको, तो इंसेक्ट करेंगे। उसके बाद इसका क्या करोगे साथ साथ बताओ? डिसऑर्डर। ये तीनों पॉइंट हम इस बार इसके साथ में ही चलेंगे, ठीक है? तो कल से क्रॉप शुरू हो जाएंगे आपके मैंगो वाले पोर्शन। ये अमरूद, आम, सॉरी अमरूद। और अमरूद का तो ये प्लांट आप देख लिए हो। ये इंपॉर्टेंट जो मैं नाम लिख रहा हूं, पूसा सृजन, IARI से विकसित ये रूट स्टॉक है, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है? पूसा सृजन।
सर कमेंट देखो, अरे कमेंट देखूं तो पढ़ाऊं कैसे बताओ, आप बता दो। कल संडे, कल वाले पूछ रहा है, कल क्लास रखें, कल वही रूम से पढ़ लेना, और क्या, क्लास तो स्टार्ट हो गई तो इसको कंटिन्यू करेंगे, एक क्लास चलने दो, आप रूम से पढ़ लेना, कोई जिसको आना है वो यहाँ आ सकते हो, जो इधर ही बैठा हुआ है बेरोजगार आदमी वो तो आ जाए। एन इम्प्लॉयड 82, इसका नाम ही याद रखना, पूसा सृजन का दूसरा नाम क्या है, एन इम्प्लॉयड 82, ध्यान रखें। ये सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, चाइनीज गुआवा, इसका तो नाम ही पढ़ने में पहले 3 दिन तुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या है, सीडियम थ्रेड, ऐसे याद रखोगे ना तो पढ़ लोगे, मुझे तो बीएससी में पढ़ा ही नहीं जाता था। फ्रेड रिच, रिच हेलेनियम, क्या बोलोगे बताओ, फ्रेड रिच हेलेनियम, और ऐसे याद रखना, अरे यार जो बड़का था ना, ये बड़का, ये पूछता है फ्रॉस्ट रेसिस्टेंट, ये जानते हो 2-3 पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने बोला ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। रेसिस्टेंट गुआवा विल्ट, अमरूद में सबसे घातक बीमारी क्या है बताओ, उकटा, क्या है, उकटा, तो उकटा के लिए भी रेसिस्टेंट है, फ्रॉस्ट के लिए भी क्या है, रेसिस्टेंट है, और सबसे अच्छी बात है बौनी किस्म है। जानते हो रूट स्टॉक ना ज्यादा अच्छा कौन होता है, जो बौना होता है, कैसा होता है, कारण क्या है गुरुजी, इसीलिए एक तो कम जगह लेगा वो, हमें 1-2 साल ही तो लगाना है, उसकी स्पेसिंग भी क्या लगेगी हमें कम, तो कौन सा बेहतर रूट स्टॉक माने जाते हैं बताओ, जो ड्वार्फ होते हैं। तो याद रखोगे सीडियम फ्रेड रिच थेलिनम, थेलेनियम, देखो मैं फिर भी भूल गया, फ्रेड रिच थेलेनियम, अब ये कैसा है, फ्रॉस्ट रेसिस्टेंट, अमरूद में कैसा है, उकटा प्रतिरोध। अगला ऊपर वाले भी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है, पूसा सृजन, उसको बोलते हैं एन इम्प्लॉयड 82। अभी तक हम कितने पढ़ लिए जरा बताओ, अब मैं कुछ भी प्रश्न तुमसे पूछ सकता हूं, एक रिवीजन 5 मिनट का, मूल ग्रंथ जो होते हैं इसकी आयु कितने साल में दूसरे खेत में लगा देंगे, 1 से 2 साल, इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, पेंसिल, कौन ऐसा मूल ग्रंथ है जो एक समान होगा, क्लोनल, कौन सा, क्लोनल, कौन ऐसा रूट स्टॉक है जो असमान होंगे, सीडलिंग वाले, जो बीजों के द्वारा लगाएंगे, कौन ऐसा रूट स्टॉक है जिसमें ना तो कीट लगेगा ना ही बीमारी लगेंगे, कम लगेगा, कम लगेगा, कौन, सीडलिंग वाले, कौन, सीडलिंग, इसको जंगली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जंगली, और जंगली लोगों में कीट बीमारी कम लगते हैं, क्योंकि हमेशा जंगल में ही रहता है, कीट टूट तो दोस्त हो जाते हैं उसके, बोले क्या इस पे लगो रे पागल, इसको चूसता हूं तो कुछ रस ही नहीं आते हैं, तो वो जंगली होते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको सिट्रस शुरू किया, तो सिट्रस का 5 पॉइंट बता दो, सर्वोत्तम मूल ग्रंथ कौन है, अच्छा तभी भी अगर ग्राफ्टिंग करेंगे तो सबसे अच्छा ग्राफ्टिंग किसमें सक्सेस होगा, इंटर जेनरिक, इंटर स्पेसिफिक, इंटर वेराइटल, तो आप क्या बोलोगे, इंटर स्पेसिफिक, दो स्पीसीज के बीच वाला सबसे ज्यादा सक्सेस होगा। अगर हम अब बात करें सिट्रस का सबसे अच्छा मूल ग्रंथ, रंगपुर लाइम, अच्छा किन्नो के साथ कौन लगाएगा, रफ लेमन, किन्नो के साथ कौन लगाएगा, सबसे बौनी रूट स्टॉक कौन है, तो फ्लाइंग ड्रैगन, कौन है, फ्लाइंग ड्रैगन। उसके बाद हमने आम बात किया, तो आम का 3 पॉइंट, नमक, नेकरे, मुवंदन और कुरुकुन, बौनी मूल ग्रंथ कौन है, विलाई कुलम्बन और ओलोर, कौन है, ओलोर, रूमानी का एक याद रखोगे या क्रीपर, क्रीपर याद रखना है, कौन रखना है, क्रीपर, तो क्रीपर याद, अमरूद में 2 याद रखना है, कौन कौन, पूसा सृजन और चाइनीज गुआवा, चाइनीज गुआवा का नाम क्या है, सीडियम फ्रेड रिच थेलेनम, क्या है नाम, सीडियम फ्रेड रिच थेलेनम, चीकू के 2 याद रखना है, एक ही याद रखना, 2 तो हटा दो, कौन याद रखोगे, रियान या खिरनी, रियान या खिरनी, कभी कभी आएगा मेनिलकारा हेक्सेंड्रा किसका नाम है, तो खिरनी का, किसका है, खिरनी। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट अगले पॉइंट की ओर, ग्रेप्स, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेप्स, चले भाई, ये अंगूर का रूट स्टॉक है, आप देख लेना, अंगूर के रूट स्टॉक अगर आपके प्रश्न पूछ लिया जाए कि अंगूर का रूट स्टॉक बीज के द्वारा जनरली डेवलप करते हैं या क्लोन के द्वारा, क्लोन के द्वारा, पकड़ लोगे इसको,
किसके द्वारा यह विकसित किया गया है? क्लोन। कैसे गुरु जी, कैसे पकड़ा? हम अभी तक नहीं पकड़े सर। ये कटिंग है, ये क्या लगा हुआ है, और कटिंग से ही ये क्या किया गया है, विकसित किया गया। इसको किसके अंतर्गत रखेंगे? क्लोन के अंतर्गत। क्लोन वाले कौन सा भाग से विकसित होते हैं? वनस्पतिक भाग से। कौन सा भाग? वनस्पतिक भाग, जिसके सारे पौधे कैसे दिखेंगे? एक समान। जिसमें वेरिएशन क्या होगा? कम। जिसका जीनोटाइप कैसा होगा? एक समान। फिनोटाइप बाहर से देखने पे एक समान, बाहर से देखने पे एक समान। इसका पहला है डॉगरिच। अच्छा, एक उधर आपने पढ़ा था फ्लाइंग ड्रैगन, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। फ्लाइंग ड्रैगन, और फ्लाइंग ड्रैगन किसका था बताओ? सिट्रस का। किसका है बताओ? सिट्रस का। कैसी रूट स्टॉक है बताओ? बौनी। सबसे बौनी रूट स्टॉक कौन है जिसका नाम क्या है? फ्लाइंग ड्रैगन। इसका नाम क्या है? डॉगरिच। और ये बार बार पूछेगा निमेटोड, यानी कि किसके प्रतिरोध है? सूत्रकृमि और सॉल्ट, यानी लवण के प्रति। किसके एक प्रति? लवण। फाइलोजेरा क्या है? एक इंसेक्ट है, इसके प्रति भी क्या है? ये रेसिस्टेंट। ठीक है, अगला 16-13 ये याद नहीं रखना है, केवल एक डॉगरिच याद रख लेना, और दूसरा सॉल्ट क्रिक। क्या याद रखोगे बताओ? ये आते हैं बार बार। सॉल्ट क्रिक किसका रूट स्टॉक है? तो सॉल्ट क्रिक अंगूर का है, और टेम्पल भी पूछते हैं, टेम्पल। तो तीन रूट स्टॉक याद रखोगे, एक का नाम है डॉगरिच, दूसरे का नाम है सॉल्ट क्रिक, और तीसरे का नाम क्या है? टेम्पल। ये तीनों है निमेटोड के प्रति रेसिस्टेंट। क्या है ये याद रखना? पियर्स डिजीज। मैंने अंगूर में बताया था पियर्स डिजीज होते किससे हैं बताओ? बैक्टीरिया से। किससे होते हैं? बैक्टीरिया। मैंने बताया था मानव में पियर्स साबुन लगाते हैं हम लोग पहले, तो जंतुओं में ज्यादा बीमारी किससे होता है? बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरिया को नाश करने के लिए कंपनी वाले ने सोचा इसका नाम ही रख दो क्या? पियर्स। क्या नाम रख दो? पियर्स। पियर्स किससे होते हैं बताओ? बैक्टीरिया से। पियर्स किससे होते हैं? बैक्टीरिया। याद रहेंगे बताओ। अंगूर के तीन रूट स्टॉक का नाम बता दो, डॉगरिच, दूसरा टेम्पल, तीसरा सॉल्ट क्रिक। डॉगरिच, टेम्पल और सॉल्ट क्रिक। अब हम बात करेंगे, यहां तक तो आपके सिलेबस में, ठीक है। 5 मिनट हम चर्चा करेंगे कुछ अन्य रूट स्टॉक, जिसमें आपने देखा होगा टेम्परेट फ्रूट हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन सेब है। सेब से प्रश्न पूछ लेते हैं कभी कभी, एक दो प्रश्न। कोटा में जैसे एग्जाम हुआ था सुपरवाइजर की, अगर हम चर्चा करें, टीए में भी इवेन सेब से प्रश्न आए हुए, तो सेब एक केवल ध्यान रखेंगे। सेब जो होता है इसके रूट स्टॉक, पहले तो ये रूट स्टॉक आपने देख लिया कि अच्छा सर ऐसे खेत में रूट स्टॉक भी लगाते हैं, इसका क्या फायदा होगा? तो ये बेचेंगे, ये क्या करेगा? बेचेगा आराम से। इसकी मोटाई कैसे दिख रही है बताओ? पेंसिल के जैसा। कितने साल का ये होगा? 1 से 1.5 साल, 2 साल का। तो अब आपको एक आइडिया लग रहा होगा। पहला हम बात करेंगे ड्वार्फिंग का, बौना रूट स्टॉक, जिसका नाम क्या है? M9। देखो ये जो एप्पल में एक जगह है जिसका नाम है MM सीरीज, कभी कभी आपसे पूछेगा MM सीरीज का रूट स्टॉक किसके लिए बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है सेब के लिए। इसका पूरा नाम है मैलिंग मार्टॉन, लिख लेना, मैलिंग मार्टॉन। MM सीरीज का पूरा नाम क्या है? मैलिंग मार्टॉन। कभी भी बोला जाए MM सीरीज रूट स्टॉक किसके लिए है, तो आप क्या आंसर दोगे बताओ? ये हम देंगे किसके लिए? एप्पल के लिए। चलो आगे, सुटेबल फॉर, जो बौनी होगी वो किसके लिए होगी? हाई डेंसिटी के लिए, चांस सीडलिंग सिलेक्शन है, और उली एफिड, ये याद रखना। आपको बोले सेंट जॉन स्केल एक कीट है, और दूसरा उली एफिड, तो उली एफिड किसका कीट है बताओ? आप तो इतना ही याद रखना, उली एफिड किसका है? एप्पल का, सेब का। सबसे ज्यादा नुकसान कौन करता है? उली एफिड। तो इसके लिए रेसिस्टेंट वेराइटी है, सॉरी रूट स्टॉक, जिसका नाम है M9। क्या नाम है? M9। एक तो ये पूछेगा सेमी ड्वार्फ में M4, M7, MM, देखो 106 है, ये छोड़ देना आप, इसको याद मत करना ऐसा, M4, M7, MM106। तो ये देखो कुछ रूट स्टॉक है, इसमें एप्पल भी लगते हैं, ऐसा घबराना नहीं है। जैसे संतरा वाले में संतरे लग रहे थे, वैसा ही इसमें क्या लगेंगे? एप्पल लगेंगे। अगला, जिसमें मैं स्टार लगाऊं केवल आप वो याद रखना, अल्ट्रा ड्वार्फ 3 स्टार लगा लो। अल्ट्रा ड्वार्फ, अल्ट्रा ड्वार्फ का मतलब क्या है? सबसे बौनी रूट स्टॉक, सुपर ड्वार्फ, और लिख सकते हो सबसे बौनी रूट स्टॉक,
सबसे बौनी रूट स्टॉक तो वो है M27। कौन है? M27। M सीरीज किसके लिए आते हैं बताओ? सेब के लिए। तो वो एक जगह है लंदन में जिसका नाम है मेलिंग, जैसे रिसर्च स्टेशन होते हैं ना, वहां से विकसित किया जाता है। ये किसके किसके बीच का क्रॉस है? तो M13 और किसके बीच है? M9 के बीच। M13 और M9 के बीच का क्रॉस से बनाया गया है क्या? M27। क्या बनाया गया है? M27। जो कहां लगाएंगे? हाई डेंसिटी। देखो ये किसका है? M27। तो M27 याद रहेगा, सबसे पुराना बौना कौन है? M27। एक और याद रखना, क्रैब एप्पल। कभी पूछते हैं क्रैब एप्पल क्या है, तो क्रैब एप्पल एक रूट स्टॉक है, मोस्ट कॉमनली यूज रूट स्टॉक इन इंडिया। सबसे ज्यादा भारत में, भारत की बात बता रहा हूं, कौन सा रूट स्टॉक का उपयोग किया जाता है? क्रैब एप्पल। और सेब में जो रूट स्टॉक उपयोग करते हैं एप्पल में, वो कौन करते हैं? क्लोनल रूट स्टॉक। कौन करते हैं बताओ? क्लोनल रूट स्टॉक, क्लोनल रूट स्टॉक। तो ये इंपॉर्टेंट है, सेब में कौन करते हैं? क्लोनल। ये देखो इस तरह के रूट स्टॉक, दिख गया? आगे बढ़े, बताओ भारत में सबसे ज्यादा कौन सा रूट स्टॉक का उपयोग करते हैं? क्रैब एप्पल। और गुलाब में अगर मैंने नहीं लिखाया तो रोजा इंडिका, किसका करते हैं? रोजा इंडिका। नॉर्दर्न स्प्रे, ये भी बहुत बार, नॉर्दर्न स्प्रे किसका रूट स्टॉक है ये याद रखना, किसका है? एप्पल का। क्रैब एप्पल, एप्पल से याद हो जाएंगे, नॉर्दर्न स्प्रे किसका है? तो ये है सेब का। चलो अब पियर उअर आपके है नहीं सिलेबस में, इसको छोड़ देना पियर उअर। तो पियर किसका है? क्वींस का भी नाम आ जाए तो ये रूट स्टॉक किसका होते हैं? नाशपाती। पियर को हम क्या बोलते हैं? नाशपाती। क्या बोलोगे? नाशपाती। अगला एक ही याद रखना, पिच में एक पॉइंट है नीमा गार्ड। क्या याद है? नीमा गार्ड रूट नॉट, ये कम से कम ये तो देखो ये क्या है? पिच। पिच को क्या बोलते हो? आडू। क्या बोलते हैं पिच को? आडू। टेम्परेट फ्रूट है, ठंडे। देखो ठंडे प्रदेश वालों देखने में भी मजा आते हैं, एकदम अच्छा लगेगा। ठंडे प्रदेश के आप कुछ भी देखो, कश्मीर में जाके देख लो, वहां के लोगों को देखोगे तो मजा आएगा, एकदम लाल लाल लगे, घर से निकला लगेगा अरे यार लाल आ रहा है, तो ऐसे लाल लगते हैं। और जितने सूखे प्रदेश में देखोगे वो चेहरे से सूखा लगेंगे, तो ये दोनों में अंतर है। और इसमें स्टोन होता है, ये क्या है बताओ? स्टोन। ये स्टोन होते हैं इसीलिए इसका फल प्रकार क्या है? ड्रुप, यानी गुठली होते हैं, तो इसका फल प्रकार क्या है? ड्रुप। अगला ये देखो, कम से कम ऐसा मॉल उल में जाके खरीद के लाया करो सवाना। ये सो रही है कि कहां ये देखूंगी, देखना है पागल खाना है इसको। अब इसमें भी क्या है? गुठली है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? ड्रुप। और ये है पलम, जिसको बोलते हैं आलू बुखारा। क्या है बताओ? ये आलू बुखारा। इसका एक याद रखना, माइरोबलन तो है ही इंपॉर्टेंट, इसका मारीना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये पिक्सी, ये आया हुआ पिक्सी पलम का, सेंट जूलियन। ये किसका है? पलम। ये देखो पलम का इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर दें भारत में कौन सा रोग कहां से आया, एक मिनट लास्ट लास्ट है बस। केला का कहां से आया है? बंची टॉप, श्रीलंका। आलू का सुनहरा सूत्रकृमि, यूरोप से। आलू की पछेती, झुलसा, यानी लेट ब्लाइट। अगर हम बात करें लेट ब्लाइट तो ये कहां से आया है? यूरोप से। और गोल्डन निमेटोड की बात करें, गोल्डन निमेटोड पोटैटो में, यूरोप से। केला की बंची टॉप की बात करें, बंची टॉप तो ये आया है आपका श्रीलंका से। अंगूर में, ग्रेप्स में, अगर हम डाउनी मैल्ड्यू की बात करें दोस्त तो ये बीमारी भी यूरोप से आए हैं। प्याज का स्मट की बात करें तो यूरोप। तो हम सारे ये क्यों याद रखेंगे? यूरोप वाला केवल ये याद रखेंगे। बंची टॉप कहां से आया? श्रीलंका। और अगर आपको नहीं आता है ऑप्शन तो भी यूरोप टिक करके आ जाना है। लगभग जो बीमारी हमारे देश में आए हैं वो अंग्रेज ने लेके आया। कौन लाए हैं बताओ? तो अंग्रेज शासन भी करता था, बीमारी भी देता था, बोलता दोनों तरह से तू लोग मस्त रहो, क्योंकि वो वहां से अंगूर उंगूर खाने के लिए लाते थे। अंगूर लाता था, बीमारी होता था तो अंगूर में थोड़े बीमारी है तो बोलेगा जहाज से वहां जाके फेंकना है। कहां फेंकते थे? देश में गार्डन उर्डन में जाता था तो गार्डन में बीमारी फैलते थे आराम से। तो सारे बीमारी किसने लाके दिया है बताओ? ग्रेजुएट। तो ये सब ऐसे बीमारी चलते रहते हैं। मिलेंगे आपके साथ कल इसी वक्त और नए टॉपिक के साथ।
फ्रूट क्रॉप फुल डिटेल अपने पढ़ेंगे फ्रूट क्रॉप। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगता है दोस्त तो जरूर लाइक करें शेयर करें।